आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माल न्यूट्रिशन। लास्ट लेक्चर में हमने बैलेंस डाइट पढ़ी थी एक टर्म, और हमने पढ़ा था कि जो बच्चे जो हैं वो बैलेंस डाइट नहीं लेते वो माल न्यूट्रिशन की तरफ चले जाते हैं। और माल न्यूट्रिशन के अंदर आज हम इसकी तीन डिजीज़ भी डिस्कस करेंगे। डिजीज़ डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम माल न्यूट्रिशन की कुछ कॉजेज हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम इनके पॉइंट्स नेम देखते हैं, फिर अंदर की डिटेल देखेंगे। कॉज में सबसे पहले आता है नो मनी, सेकेंड में है ओवर क्राउडिंग, थर्ड है अनएम्प्लॉयमेंट, फोर्थ पे है लेजीनेस, फाइव है पॉवर्टी, सिक्स में है सेक्स, सेवन में है स्टारवेशन, एट नंबर पे है इलनेस, और नाइन्थ पे डिप्रेशन, और लास्ट पे है टेंथ नंबर पे अल्कोहलिज्म। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास था नो मनी। नो मनी किस तरह माल नरिशमेंट की तरफ लेके जाता है चाइल्ड को। पेरेंट्स के पास इतने पैसे नहीं है, कोई मनी नहीं है कि वो बच्चों के लिए फूड खरीद सकें, ठीक है। बच्चे हंगरी रहते हैं, भूखे रहते हैं, और इस तरह वो चले जाते हैं माल नरिशमेंट की तरफ। सेकंड पॉइंट है ओवर क्राउडिंग। ओवर क्राउडिंग में क्या होता है कि एक छोटी सी जगह के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोग रह रहे हैं, वहाँ पर ओवर क्राउडिंग हुई है, ठीक है। वहाँ उनके पास ऐसा रूम या ऐसा कोई गार्डन वगैरह नहीं है जहाँ पे वो वेजिटेबल्स वगैरह ग्रो कर सकें, ना ही उनके पास इतने पैसे होते हैं कि वो वेजिटेबल्स खरीद सकें। इस वजह से जो उनके चिल्ड्रन होते हैं ऐसे पेरेंट्स के, वो माल नरिशमेंट की तरफ चले जाते हैं। इसके अलावा ओवर क्राउडिंग है वहाँ पर, तो वहाँ पर जो है वो टॉयलेट्स वगैरह भी नहीं है प्रॉपर, इस वजह से भी वहाँ पर बच्चे बीमार हो जाते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट में हमारे पास वही सीन आ जाएगा जो नो मनी वाला था, कि उसके पेरेंट्स के पास कोई जॉब नहीं है, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ठीक है। वो बेरोज़गार हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो खुराक खरीद सके और अपने बच्चों को दे सके, उनके बच्चे भूखे रहेंगे और वो माल नरिश्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास लेजीनेस। लेजीनेस में क्या आ जाता है कि जो मदर है वो लेजी है, वो खाना नहीं पकाती उठ के, ठीक है। तो इस वहाँ पर भी जो है वो उनके बच्चों को प्रॉपर फूड नहीं मिलती और वो वहाँ पर माल नरिशमेंट की तरफ चले जाते हैं सिर्फ मदर की लेजीनेस की वजह से। और मदर लेजी क्यों हो सकती है, उसकी वजह ये भी हो सकती है कि मदर जो है वो इट्सेल्फ, वो खुद ही जो है वो माल नरिशमेंट का शिकार हो, वो खुद भी बैलेंस डाइट ना ले रही हो। नेक्स्ट है पॉवर्टी। पॉवर्टी और स्टारवेशन एक ही चीज़ों के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। पॉवर्टी है मतलब वही है कि जॉब वगैरह नहीं है, पेरेंट्स के पास मनी नहीं है, तो उस वजह से बच्चे भूखे रह रहे हैं, माल नरिशमेंट की तरफ जा रहे हैं। सेम विद जाहिर सी बात है, पॉवर्टी होगी तो स्टारवेशन होगी, फाके होंगे घर में, तो जो बच्चे हैं वो माल नरिशमेंट की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट है इलनेस। इलनेस में हमारे पास क्या होता है कि बच्चा बीमार है काफ़ी अर्से से, ठीक है, लॉन्ग टाइम से वो बीमार है, बीमारी की वजह से वो कुछ खाता पीता नहीं है और वो थिन हो रहा है और माल नरिशमेंट की तरफ जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है डिप्रेशन। डिप्रेशन में क्या होता है कि जो मदर है वो डिप्रेस्ड है, ठीक है, इस वजह से वो अपने बच्चों को प्रॉपर फूड वगैरह नहीं देती और उनकी जो है वो प्रॉपर केयर भी नहीं करती। लास्ट पॉइंट है अल्कोहलिज्म। अल्कोहलिज्म में क्या है कि या कोई भी ड्रग्स वगैरह हैं या अल्कोहल है, जो पेरेंट्स हैं वो अल्कोहल या ड्रग्स वगैरह यूज़ करते हैं और उनके पास जो मनी आती है ना उसको वो ड्रग्स और अल्कोहल खरीदने पे खर्च कर देते हैं, फिर फूड खरीदने के लिए उनके पास कोई मनी नहीं बचती। इस तरह उनके जो बच्चे हैं वो माल नरिश्ड हो जाते हैं, उनको खाना नहीं मिलता।